बढ़ते आगे और अब बात करते हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम की, जहां पर देखिए सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन चल रहा है और बीते कई दिनों से लगातार इस तरह का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और अब छतरपुर जिले के गढ़ा धाम स्थित बागेश्वर धाम में एक सामूहिक कन्या विवाह समारोह का एक बार फिर से आयोजन किया गया। 156 निर्धन कन्याओं का इसमें विवाह हो रहा है। बता दें कि ये विवाह बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री करा रहे हैं। लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों के लिए परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इसमें 15 लाख लोगों के लिए बकायदा भोजन प्रसाद बनाया गया है और इस बार हर जोड़े को गृहस्थी का पूरा सामान उपहार में दिया जा रहा है। साथ ही एक बाइक भी दी जा रही है। विवाह उत्सव शुरू हो चुका है और हमारे संवाददाता राधेश्याम सोनी ने मौके पर पहुंच करके दूल्हा दुल्हन से बात की। इस वक्त हम मौजूद है बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम में पंचम सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव चल रहा है। 156 एक शादी और बढ़ गई है महाराज जी, किसी कारण एक शादी और बढ़ाई गई है। 156 शादी यहाँ पे हो रही है। दूल्हे दुल्हन अपने एक नए अंदाज में एक वेशभूषा में सभी लोग मंडप की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर 155 जो वधू है अपने वर के गले में जयमाला डालेंगे। एक अलौकिक पल होगा, वो अद्भुत पल होगा जब वधू अपने वर के गले में माला डालेगी। एक साथ 156 लोग जब जयमाला डालेंगे तो कितना अनोखा पल। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। आप कहाँ से आए हुए? हमीरपुर जिला। मतलब छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश विदेश देश से भी यहाँ के लोग आए हुए हैं और यहाँ से शादियाँ हो रही हैं। तमाम जगह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। घराती भी बराती लाखों की संख्या में यहाँ पे घराती बराती है और यहाँ पे 155 दूल्हे और दुल्हन सज धज कर मंडप की तरफ जा रहे हैं। जयमाला होगी, जयमाला। एक साथ 156 वधू अपने वर के गले में जयमाला डालेगी। यह पल अनोखे और अलौकिक होगा। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। बहुत अच्छा कहेंगे, जो नहीं कर सकते वो शादी यहाँ से कर रहे हैं। मैं बागेश्वर धाम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्हीं की मेहरबानी से आज मेरी शादी यहाँ से हो रही है। पर मेरे पिताजी नहीं, माताजी। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ मैं, क्योंकि इतने बड़े स्थान पर शादी होना एक छोटी बात नहीं है। गुरु जी के आशीर्वाद से शादी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी यहाँ पे शादी हो रही है।